इतनी ठंड में क्यों आई हूँ कॉलेज? मेरे से मिलने के लिए? ऐसे कि यार जिया को मेरे बाद ख्याल रखना है, किसी से आंख मत लगाना, ठीक है? कितना कुछ कहना है फिर यार, भैया मैं तो टूट गया गाड़ी, कितनी औसम है यार। दही था और पराठे तो खत्म हो गया। जगन्नाथ तुम्हारे अंदर हवस बड़ी बड़ी है भाई, इसे जेल में डालो। मेरे में ऐसी कौन सी बात है जो मैं से मिलने के लिए? गुलाब जैसी हो, गुलाब लगती हो, हल्का सा भी मुस्कुरा दो तो लाजवाब लगती हो। मैं देवा से मिलने के लिए आई हूँ। हर बात झूठ है इसकी। किशन तो और सब बताओ, जिंदगी कैसे कट रहा है तुम लोगों का? जैसे तेरी कट रही है। नंदू भाई, नंदू भाई, मोय 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 मोय। नहीं नहीं, मैटर में नहीं मुन्ना सीधा करी। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई लोग, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं कॉलेज आया हूं और अभी मैं फिलहाल कॉलेज में ही हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमारा कुछ क्लास होने वाला है, आज से ही क्लास स्टार्ट हो गया है 19 जनवरी से, और देखते कि आज का दिन कैसा जाता है। और अभी कॉलेज में ही हूँ, देख सकते हो, है ना? तो चलो फिर हम क्लास लेते हैं, जो भी हमारा क्लास होगा और जो भी हमारे साथी हमारे फ्रेंड रहेंगे उनसे भी मुलाकात होगा। तो चलो फिर हम चलते हैं। हमारे कैडेट भाई लोग खा रहे खाना, आप भी खा लो भाई कुछ तो भाई। नहीं नहीं, मैंने थैंक यू कुछ तो किया नहीं, बट देख रहे हो। बहुत नहीं किया भाई, दूर वाली लाइन में आता तब पता पड़ता, खड़ा था ना बाहर। हाँ मैं तो बाहर ही खड़ा था, तो फिर खाओ यार आराम से। एक यहाँ पे हमारे कैडेट सभी हैं, करो 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 करो, जगन्नाथ अच्छा तो आप हाँ हाँ बिल्कुल, वो चाहिए क्या चाहिए? रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। तो देवाशीष भाई अपना एनसीसी यूनिफॉर्म उतार कर अब कहाँ जाने का विचार है भाई? जेल में डालो देवाशीष, अब जाने का कहाँ विचार मन है तेरा? हाँ घर। तो फिर भाई देख रहे हो, घर का अब घर जाने के लिए तैयारी हो रहा है, सब कुछ बैग पैकिंग। और तो चलो फिर हम आप लोगों को कैंटीन लेके चलते हैं और वहाँ पे खाएंगे। और कुछ यहाँ नमूने को देखो भाई लोग, चलो मैं आप लोगों को कहीं और लेके चलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमें हमारे सभी कैडेट थे, ठीक है? तो चलो फिर मैं आगे आप लोगों को लेके चलता हूँ, और फिर कुछ जो कॉलेज में होगा सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो भाई लोग अब हम जा रहे हैं कैंटीन, और कैंटीन में कुछ खाएंगे। तो देवाशीष भाई, आज का क्लास कैसा लगा? बकवास। अच्छा तो आज का दिन कैसे जाने वाला है तेरा? घर जाऊंगा सोऊंगा। घर जाएगा सोएगा, मैं भी घर जाऊंगा, मैं घर में हंगामा आऊंगी, मैं भी सोऊंगा, ठीक है? पढ़ाई क्या करूंगा। आज कॉलेज का नजारा आप देख सकते हो, खाली है, खाली है। फाइनली भाई लोग मैं कैंटीन आ चुका हूँ, ये देख लो,
और मैं कैंटीन एंट्री कर चुका हूँ। और यहाँ पे हमारे दोस्त देवाशीष भाई कुछ खाने के लिए ला रहे हैं, लंच ही खाएंगे। और अभी देख सकते हो कैंटीन का हालत, बच्चे अभी शायद आज कमी आए, कल से ज़्यादा बच्चे आएंगे, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं लंच करते हैं, ठीक है। तो फाइनली भाई लोग दही था और पराठे तो खत्म हो गया। इन्होंने खत्म किया, चार पराठे थे जिसमें से तीन ये खाया और एक मैं खाया और ये दही ये भाई पी रहा है। तो चलो फिर हम कैंटीन से बाहर निकलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है। A few moments later. भाई लोग ये मटर खा रहे हैं और हमारे दोस्त कैसे कैसे और ये नंदनी कैसे भाई? राम विभव झा विभव ये दीपिका पादुकोण हमारे बीच में मौजूद है और ये नंदनी भाई तुम है खुशबू है तेरे शहर दी, खुशबू है तेरे शहर दी। ठंड में क्यों आई हो कॉलेज मेरे से मिलने के लिए? ऐसे कि यार जिया को मेरे बांध ऐसे ली। भाई मेरे में ऐसी कौन सी बात है जो मेरे से मिलने के लिए? गुलाब जैसी हो, गुलाब लगती हो, हल्का सा भी मुस्कुरा दो तो लाजवाब लगती हो। तो भाई देख लो ये ठंडी में पता नहीं क्यों है इनका एक भी क्लास तो स्टार्ट नहीं है फिर भी तू तो कॉलेज क्यों है ये मुझे बता। मैं देवा से मिलने के लिए आई हूं। हर बात झूठ है इसकी। किशन इधर के फिर के देवा से मिलने के लिए। भाई कभी कह रही है कि मुझसे मिलने के लिए, कभी कह रही है कि देवा से, पता नहीं कंफ्यूज हूं मैं। सानू आज कल शीशा बड़ा छेड़दा नाले छेती गल बात नहीं। तुम क्यों आई हो भाई कॉलेज? मैं क्लास में आई नहीं, मैं सोचा है हाँ। किस चीज का क्लास है? मैथ्स की है, सीएस की है, हिस्ट्री की है, तो होता कौन सी क्लास चाहिए देखो? मुझे क्लासरूम में तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ना है, कैंटीन में तुम्हारे साथ बैठ के खाना है और लाइब्रेरी में तुम्हारी किताबों क्लास ही नहीं होती। मैं हमारी क्लास थी। अरे में अरे भाई मैं बता दूं हमारी क्लास सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से स्टार्ट हुआ, 3 बजे खत्म हुआ। okay. और देवाशीष भाई तू किधर भाग रहा है? इधर सुन ना यार, इसे देख कितना ठंड लग रहा है। और बाकी अब बाकी बाकी क्या है? तो और सब बताओ जिंदगी कैसे कट रहा है तुम लोगों का? जैसे तेरी कट रही है। मेरी तो भाई सही कट रही है, ठीक है मस्त। हमारी भी सही है। तेरा हो जिया का जिया का ये गावरे मन वाला। हमारी जिंदगी कैसे कट रहा है? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। घर चलो बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हाँ भाई किस्मत की बात है, ये तो नंदनी है तो इसको हम दे देते हैं। भाई है नंदनी, हमारा भाई है फर्स्ट ईयर से। हाँ फर्स्ट ईयर से। नंदनी एक नंबर। तू ये ना क्रॉप कर दिया। नंदनी नीली की नागिन निकाली, मुन्ना पे छोड़ा है अलगला। यही है बाकी कोई नहीं है कि ये नंदू भाई मोए मोए। तुम्हारे अंदर हवस बड़ी बड़ी है भाई। इतनी हवस चले। अरे कहाँ जाना है तुम्हें? तो भाई अब हम जा रहे हैं घर, ठीक है। हाँ भाई घर जा रहे हैं, हो सकता है तो कहीं और निकल जाऊंगा मैं नहीं तो। फिर ये भाई देवाशीष जा रहे हैं आगे आगे और मेरे चाहने वाले पीछे पीछे। अरे मजा आता है। रीस्टार्ट सिम कार्ड ऐड करो भाई, तो इसके बाद ही चलेगा भाई। बंद है। तू क्या कर रही है? अरे तुम अपने फोन का रीस्टार्ट। भाई दे हमारे पास तो एक से एक इंजीनियर है। चलो भाई घर चलो।
नंदनी घर। तो फाइनली भाई अब हम जा रहे हैं घर, तो अलविदा 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 कहते हैं अपने दोस्तों को, क्योंकि अभी ये इन लोगों का क्लास चलेगा, क्लास लेने के बाद चलो फिर, ठीक है भाई। ख्याल रखना है किसी से आंख मत लगाना, ठीक है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं। बाय 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 बाय। तो मैं तो अपना ख्याल रखूंगा। गाड़ी कितनी औसम है। नहीं नहीं मैटर में नहीं बोलना सीधा गाड़ी, हवस पंथी कम करना अपनी। तो चलो भाई लोग, ठीक है। और हमारे दोस्त भाई मोबाइल चला रहे और जा रहे घर, है ना। अब घर ही जाएगा ना, तो चलो फिर हम घर के लिए निकलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या होने वाला है हमारे साथ, ठीक है। तो चलो फिर हम घर के लिए निकलते हैं। तो फैमिली भाई लोग, मैं अभी मेट्रो में हूँ, अब मैं मेट्रो से घर जाऊंगा, तो मैं अपने दोस्त को अलविदा कहता हूँ, फिर यहाँ से घर के लिए निकल जाएंगे। तो बाहर का नज़ारा ये रहा, आगे कश्मीरी गेट, यहाँ पे मेरा चेंजिंग पॉइंट है। और फिर आराम से जाना, इधर उधर लड़कियों पे नजर नहीं डालना, नहीं ना। तो चलो भाई लोग फिर हम घर के लिए निकलते हैं। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. तो फाइनली भाई लोग आ चुका हूँ मैं घर। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में एक नया अंदाज़ में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और उसका, जब तक के लिए बाय बाय।